नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हमारा काम करो नहीं तो विधायक से बात कर लो, ऐसी धमकी नगर पालिका की कई कर्मचारियों अधिकारियों को अक्सर मिल जाती है। दरअसल विदिशा निवासी शंकर सिंह राजपूत नाम का ये शख्स लोगों के काम करवाने नगर पालिका सहित अन्य विभागों में कुछ इसी प्रकार धमकाकर काम करवाता है और इन कामों के बदले लोगों से रुपए भी उगाता है। आज अचानक शंकर सिंह का ये दाव जरा उल्टा पड़ गया। बक्सरिया निवासी महिला नीरा यादव और नीरज सक्सेना के सामने मामला उल्टा पड़ गया। दोनों ने नगर पालिका में शंकर सिंह को पकड़कर गरीबी रेखा के परमिट न बन पाने पर नाराजगी जताई। उसी समय मीडिया के कैमरा देख शंकर सिंह उसके पैसे वापस करने लगा। इससे ये तो सिद्ध हो गया कि शंकर ने लोगों से अवैध वसूली की थी और काम ना होने पर ये स्थिति बनी और हंगामा हो गया। परमिट के लिए हमने ना फार्म हमारे घर घर गया, जाके निकलने लगा कि ना सब लोग पैसा जमा करो कि ना मैं आपका परमिट बनवा के घर दे के जाऊँ। तो ये क्या नौकरी करते नगर पालिका? नहीं नहीं, हमें पता नहीं है जी, घर घर गया है कि ना मैं नगर पालिका से आया हूँ और आके नहीं और क्या ना मैं परमिट बनवा के दूंगा तुम्हारा। हर शख्स फोटो कापी लेकर आया, हर शख्स पैसा लेकर। तो लगभग कितने लोग होंगे जिन्होंने पैसे दिए? कम से कम 25 लोग हैं जिनसे पैसा लेके आया। कितने रुपए दिए इनने? कोई से 100 ले लिए, कोई से 150 ले लिए, बस ऐसे करके नहीं और जो पैसा ले लेके आया। जी घर पे आया था, ये परमिट बोल रहा था नगर पालिका से आया हूँ मैं, 600 रुपए हर आदमी से लेकर, ये कह रहा गरीबी का परमिट बनवा दे रहा हूँ। तो आपको पूछना चाहिए ना कि नगर पालिका नौकरी। सर हमें क्या मालूम था, ये घर घर होंगे नगर पालिका से आया हूँ। तो हमने क्या, चलो अपन भी दे दो। तो वो क्या अभी अटक रहा है, उससे बदतमीजी से बात कर रहा है। तो आप इसकी शिकायत की गई? अब उसको तो अभी देखा था सर, 2 मिनट भी नहीं हुआ, जिसका पहले वो निकल ही गया। ब्यूरो चीफ विजय विद्रोही की रिपोर्ट।